भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे डंके की चोट पर आज उनका पुतला फूंक रहा है और ये मांग करता है वो देश के आगे माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करते हैं कि वैधानिक कार्रवाई उन दोनों लोगों पर की जाए। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने व्रस्त होगी। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। संसद से लेकर सड़क तक भाजपा इसके विरोध में उतर आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को लेकर जहां दुख जताया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात करी और कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि मिमिक्री करना एक कला है, मेरा इरादा उपराष्ट्रपति का अपमान करने का नहीं था। इस बीच गुरुवार को यूपी के जिला बरेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका और उपराष्ट्रपति का अपमान करने की बात कहकर नारेबाजी करी। साथ ही टीएमसी सांसद और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करी है। बता दें कि लोकसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद बीते मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए दिखे थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने फोन से टीएमसी सांसद का वीडियो बनाते हुए देखे गए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद संसद से लेकर सड़क तक भाजपा विपक्ष को घेरने में लग गई है। गुरुवार को बरेली में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का पुतला फूंका, टीएमसी सांसद के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की निंदा करी और माफी मांगने की मांग उठाई। भाजयुमो के क्षेत्रीय महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी ने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एवं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए उनका अपमान किया है, वह निंदनीय है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना कांग्रेस और इंडिया अलायंस का काम बन गया है। हमारी मांग है कि वह पूरे देश से माफी मांगे। आइए आपको दिखाते हैं कि भाजयुमो ने किस तरीके से प्रदर्शन करा और उनके पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी। और फैलना शायद बाहर मेरा नाम रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का क्षेत्र का महामंत्री हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, अभी दो दिन पूर्व देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर संसद में, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले सो कॉल्ड युवराज राहुल गांधी ने जिस तरीके से महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान किया, उनकी मिमिक्री बनाई, उनका अपमान किया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमान करना कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये काम बन गया है। आज उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा का देशव्यापी आंदोलन है। आज प्रत्येक जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं, कल्याण बनर्जी का पुतला फूंक रहे हैं, और हम लोगों की मांग है कि पूरे देश से वो माफ़ी मांगे। आज एक जाट परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अगर आज उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसका दर्द इन लोगों को हो रहा है। आज एक ओबीसी समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी मिमिक्री करेंगे ये लोग। ये अपमान देश को सहनीय नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे डंके की चोट पर आज उनका पुतला फूंक रहा है और ये मांग करता है वो देश के आके माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वैधानिक कार्रवाई उन दोनों लोगों पर की जाए।